पहला सवाल है ज्ञान बोहरा का, चेन्नई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्ञान जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी सर, एक्चुअली मेरे पास एक गार्डन रिच शिप बिल्डर से 25 शेयर है, 748 मिली हुआ है सर। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कंपनी का फ्यूचर कैसा है, फंडामेंटल है क्या, करंट लेवल में और इन्वेस्ट कर सकता हूँ क्या? कर करेंट लेवल पे इन्वेस्ट करते पहले इस सवाल का जवाब। गावा सर, गार्डन रीच बिल्डर्स में करंट प्राइस पे और खरीदारी की जा सकती है क्या? 829 पर ट्रेड कर रहा है। अब अगर नजरिया लंबा है तो बिल्कुल खरीदना चाहिए, 1000 भी जाएगा लेकिन उसके नजरिया लंबा चाहिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है लेकिन 750 गार्डन रीच शिपयार्ड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इतना ध्यान दीजिए। अगर नीचे आता है तो घबराइए मत, लंबा नजरिया तो नीचे ऊपर होने दो, उसको अपना काम करने दो, आप उसके इन्वेस्टेड। लंबा नज़रिया है तो ज्ञान जी इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। कंपनी जो शिप बिल्डिंग का काम काज करती है उसमें है, काफ़ी बढ़ा है स्टॉक, इसमें भी कोई शक नहीं है। पिछले एक साल में ही आप देखिए तो 450 से बढ़ते बढ़ते 900 के आसपास स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है। वैल्यूशंस हालांकि इंडस्ट्री वाइड अगर आप देखेंगे जो इस सेगमेंट की कंपनी उसके तुलना में अभी भी कम्फर्टेबल है, बहुत सस्ता नहीं लेकिन कम्फर्टेबल है। मार्केट कैप टू सेल्स देखेंगे जो 3 पहुंच गई, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी चूंकि डिफेंस सेक्टर और ये सारे सेक्टर्स बड़े रडार पे हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स वगैरह आते रहते हैं, तो इसलिए कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। तो करंट लेवल पे होल्ड कर सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपना नज़रिया बनाना होगा। अगला स्टॉक है पंकज जोशी का, बंगलुरु से। जोशी जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। Very good morning. I'm a big fan of yours and Gaba sir. I mean, every day morning I watch CNBC hours. Thank you, sir. Thank you. Keep watching, sir. Bataiye. Sir, I bought 250 shares of PI Industries at price of 2,562. I can keep it for 6 months. What is the target? How does it look like? Okay. And a cost share. I bought 200 shares of Pidilite at price of 2,178. लिया है पीआई इंडस्ट्रीज को। इसमें बीच में खबर आई थी कि जो इनका सबसे प्रमुख क्या कहेंगे एग्रीकल्चरल केमिकल बनाते हैं जिससे खरपतवार दूर की जाती है, उसमें जापानीज एक कंपनी एंटर कर रही है बड़े पैमाने पे, तो उसका इम्पैक्ट आया था और स्टॉक काफ़ी तेज़ी से गिरा था, लेकिन उसके बाद से संभला है और स्टॉक रिकवर कर रहा है। इनके भाव से काफ़ी ऊपर है अभी, क्या करना चाहिए पीआई में? हमने 4,000 का हाई देखा था पीआई इंडस्ट्रीज में, लो लेवल आया जो आप बोल रहे हैं, शायद उसका इंपैक्ट 3,200 के करीब भी आ गया, 3,200-3,100। जब मैं चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूँ तो ये अब भी पॉजिटिव, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होते हैं विद इन लिमिट्स है, तो मेरे ख्याल से अपो कायम है। अभी जैपनीज आता है आने दो, जब भी आता है आने दो, उनको अपना काम करने दो। मुझे चार्ट स्ट्रक्चर अब भी अच्छा लगता है, मुझे तो ये जो रिसेंट हाई हमने 4,000 देखा है वो पार कर लेगा, ऐसा कुछ होता तो और भी हाई जोन देखेंगे, तो स्टे इन्वेस्टेड, मुझे इसका डर नहीं लगता चार्ट देखकर। 6 महीने अगर इसको होल्ड करें तो कितना टारगेट हो सकता है पीआई का? मेरे ख्याल से एक बार 4,000 पार कर ले तो फिर 5,000 का टारगेट लक्ष्य होना चाहिए, और ये गौरव की भाषा में कहें तो लक्ष्यांक 5,000 होना चाहिए। ओके, लक्ष्यांक टारगेट 5,000 हो सकता है, बट कंडीशन इज इट शुड ब्रीच द 4,000 मार्क। दूसरा स्टॉक इनका है पिडिलाइट, इसमें क्या करना चाहिए? ये तो होल्ड करना चाहिए, इसमें एक ब्रेकआउट की जरूरत है और लगता है ब्रेकआउट मिलेगा, वो है 2800 के आसपास। जब इसमें ब्रेकआउट मिलेगा तो वो 3,000 तक लेगा, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक भी होल्ड है पिडिलाइट, कंटिन्यू होल्डिंग, घबराइए मत, ये स्टॉक का चार्ट बढ़िया है। ओके जोशी जी, बोथ द चार्ट्स आर गुड, यू शुड कीप ऑन होल्डिंग। अगला सवाल है सुब्रमण्यम का, हैदराबाद से। सुब्रमण्यम सर नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार सर। जी सर, मेरे पास है KRBL 125 शेयर्स एट द रेट ऑफ 410 सर, 410 रुपए का, बहुत लास्ट में हो गया सर, एग्जिट हो जाना है, अभी एवरेज कर सकता हूँ यहाँ, समझ में नहीं आ रहा सर। हैदराबादी बिरयानी बड़ी फेमस है ना? और यही बासमती यूज होता है उसमें।
पता नहीं कौन सी वैरायटी यूज करते होंगे, लेकिन क्या लकी बिरयानी है ना सर आपकी? पैराडाइज सर, पैराडाइज, सॉरी ये पैराडाइज। हाँ, एक बार मैं हैदराबाद गया था तो मैं वहां से लेके मुंबई आया था पैराडाइज। पैराडाइज फेमस, पैराडाइज वेरी फेमस, यस। पैराडाइज का मैं लगता है एक फ्रेंचाइजी भी उन्होंने खोली दिल्ली कनॉट प्लेस में समवेयर। खैर, गावा सर केआरबीएल नुकसान हो रहा है सुब्रमण्यम सर को, 100 रुपए नीचे आ गया इनके भाव से, क्या करना चाहिए? ब्रेकडाउन हुआ है 350 के आसपास, तो वो नहीं होना चाहिए था। उसे लगता है कि और लो लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो केआरबीएल शायद 250 के आसपास भी आ सकता है। मुझे पता नहीं, शायद लगता है इस पर कुछ फंडामेंटल न्यूज था। अबू धाबी जहां लक्ष्मण गए थे वहां पर कुछ चक्कर था, वर्ल्ड टीवी या कुछ था, मुझे समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन ऐसा कुछ लगता है फंडामेंटल न्यूज अगेंस्ट था केआरबीएल के, शायद उसका इंपैक्ट हो सकता है। तो अभी करेंगे, अभी और नीचे आएगा तो फिर क्या करेंगे? आएगा, एक डिलीवरी बेस्ड स्टॉक है, लेकिन मुझे लगता है उसके बाद 250 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा, वो नहीं टूटेगा लगता है। अगर आप उतना सहन कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए, लेकिन स्ट्रक्चरली लगता है कि फिर एक अप मूव मिलेगा, लेकिन वक्त लगेगा, वक्त बिताना पड़ेगा, फिर करीब 400 के करीब जाएगा तो आप वहां निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस स्टॉक में मेरे ख्याल से लॉस बुक नहीं करना चाहिए। तो इस पूरे कार्यक्रम में कम से कम एक साल तो लगेगा? बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट, कम से कम एक साल। तो सुब्रमण्यम सर पहले ये 250 आ सकता है, फिर वहां से ये ऊपर जाएगा तो 400 तक दोबारा जा सकता है। अगर आप, एक तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा कि ये पहले 250 भी जाएगा तो आपको देख के और दुख होगा, लेकिन फिर ये जा सकता है ऊपर, तो सलाह ये है कि आपको होल्ड करना चाहिए यहाँ पे केआरबीएल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्जा हुसैन बंगलुरु से, बताइए हुसैन जी। सर नमस्ते सर जी। नमस्ते, आपके सीएनबीसी पूरी आपकी स्टाफ को धन्यवाद, आपका चैनल बहुत हमेशा मैं देखता हूँ, आपका फैन हूँ आपके चैनल का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पेशली बग्गा साहब के जितने भी जो आते हैं प्रोग्राम्स में पूरा देखता हूँ, बग्गा साहब ने हमेशा सही सलाह देते हैं जी। हाँ सर, मेरे पास बंधन बैंक और बलरामपुर चीनी दो शेयर हैं सर। बंधन बैंक मैंने लिया है 2000 शेयर्स हैं 214 से। ओके। और बलरामपुर चीनी है मेरे पास, वो भी 2000 शेयर्स हैं 390 के भाव में। सर इसको क्या मैं कितना तक समय तक होल्ड कर सकता हूँ, उसका शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकता है? दोनों के लिए ना? हाँ सर। गावा सर बंधन बैंक 214 पे लिया इन्होंने, अब 200 आ गया है, और बलरामपुर चीनी 390 पे लिया, वो शायद 370 के आसपास आ गया है। दोनों स्टॉक नीचे आ गए इनके प्राइस से। दोनों में शॉर्ट टर्म के लिए कोई टारगेट स्टॉप लॉस? बंधन बैंक की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर का वीक है, इनफैक्ट आज बाय सिग्नल भी आया था मेरे रडार में, लेकिन मैंने दिया नहीं क्योंकि इसका स्टार्ट स्ट्रक्चर वीक है। स्ट्रेंथ होता तो मैं जोर देता, इसमें एक अपमूव मिलेगा, लेकिन अपमूव मिलेगा ऊपर जाएगा लेकिन नीचे आने के लिए, क्योंकि स्ट्रक्चर अब तक बिगड़ा हुआ है। आपकी कॉस्ट पास में है 214 के आसपास, तो जब भी 214 के आसपास से आता है आप निकल जाइए उनसे, बंधन में से तो आउट हो जाइए। अब उसके 214 के बाद निकलने का 200-300 भी जाए, अब जाने 200 आप निकल जाओ। रही बात बलरामपुर चीनी की, यहां पर लगता है कि ये सपोर्ट जोन के इर्द गिर्द ट्रेड करा है, बेसिक स्टार्ट स्ट्रक्चर ठीक ही है, बुरा नहीं है। यहां से एक अपमूव मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा तो 400-450 ये जोन है, वहां तक जा सकता है, वहां पर आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन उसे वक्त लगेगा। दोनों में एग्जिट करना है मिर्जा आपको, राइज पे आपके प्राइस से ऊपर जब जाएगा ये थोड़ा बहुत, तो आपको दोनों से एग्जिट लेना है, बंधन बैंक से भी और बलरामपुर चीनी से, क्योंकि टेक्निकली अच्छे नहीं लग रहे हैं, और मान लीजिए पूरे मार्केट में दबाव रहेगा तो फिर ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, शायद मुश्किल है इसमें, तो एग्जिट पे राइज करिएगा, राइज पे एग्जिट करिएगा। अच्छा अगला सवाल है रामकृष्ण का हैदराबाद से। रामकृष्ण जी नमस्कार, पूछिए सर। नमस्ते सर जी, मेरा नाम राम है, हैदराबाद से बात कर रहा हूँ जी। इंडिया सीमेंट 1000 शेयर्स 239 पर फरवरी फर्स्ट वीक में खरीदा सर, ये अभी अप टू सितंबर तक वेट करने के लिए है, कुछ बढ़ने का चांसेस है या नहीं है सर? सितंबर क्यों, वाई सितंबर? सितंबर थोड़ा घर पे काम है उसके लिए। अरे वाह, ये एकदम सही है, ये देखिए लॉजिक होना चाहिए कि हमको क्यों बेचना है। गावा साहब सितंबर में घर पे काम है, कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो क्या इंडिया सीमेंट कुछ हमें कमाई करके दिलवा सकता है रामकृष्ण जी को?
अभी सितंबर के पहले 250-260 चला जाए तो निकल जाएगा, जब भी जाता है 250-260 निकल जाएगा, क्योंकि वहां पर रेसिस्टेंस। लेकिन बेसिकली चार्ट ठीक है, थोड़ा डिप मिल सकता है, लेकिन डिप से एक फिर एक अपमूव मिलेगा, लेकिन 250-260 के आसपास डेफिनेट रेसिस्टेंस है, वहां पर निकल जाएगा सितंबर और नो सितंबर, कम सितंबर। ओके, सितंबर और नो सितंबर, जब भी 250 से 260, 250 टू 260 के बीच में हो तो रामकृष्ण जी आप निकल लीजिएगा, वो जून भी हो सकता है, जुलाई भी हो सकता है, या 1 सितंबर भी हो सकता है, उसके बाद फिर मत रुकिएगा इसमें। ओके, अगला सवाल लेते हैं रमेश जाधव का, पुणे से मेरे साथ जुड़े हैं। रमेश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, नमस्कार सर, बताओ जी। सर को भी नमस्कार, सवाल बताओ सर। या सर, मेरे पास है नजारा टेक्नोलॉजी 160 शेयर्स, मैंने 750 के आसपास के भाव पे लिया था और मैं लॉन्ग टर्म रुक सकता हूँ इसमें, तो जो सलाह चाहिए कि क्योंकि 900 तक चला जाता है फिर नीचे आ जाता है, बहुत ही वोलेटाइल लग रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ इसमें। गेम की तरह है एकदम, ये गेम वाली कंपनी भी है, गेम खेलते हैं ना आप? हाँ सर, गेम खेलते हैं, गेम, वीडियो गेम खेलते हैं। गेम खेलता तो नहीं हूँ लेकिन इन्वेस्ट करके रखा है क्योंकि दैट इज हैपनिंग थिंग नाउडेज। नहीं, आपने कहा ना ये 900 तक जाके फिर नीचे आता है, तो सब्सिडी टाइप का मामला इसमें बनता है। गवा सर, नजारा टेक्नोलॉजीज 750 में उन्होंने खरीदा, 735 चल रहा है, ऊपर जाता फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता फिर नीचे आ जाता है, इसमें तो जिरोधा वाले दोस्तों ने भी खरीदा है काफी, क्या लगता है आपको नजारा में इनको रुकना चाहिए? रमेश जी को, मुझे इसका नजारा का चार्ट स्ट्रक्चर वीक मिल रहा क्लियर। एक तो 1000 में रेसिस्टेंस है और जब लिस्टिंग हुआ लिस्टिंग के नीचे ट्रेड करा, ये एक नेगेटिव है। लिस्टिंग के ऊपर ट्रेड तो ठीक है, अब जिस चीज लिस्टिंग के बाद खरीदा वो तो आज दुखी है बेचारे, तो लिस्टिंग का प्राइस आता है तो वो बोलेंगे चलो निकल गया है, नो प्रॉफिट नो लॉस या मुद्दल में नुकसान करके निकल जाएंगे, तो वहां पर तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और लिस्टिंग के नीचे ट्रेड करा है, ये साइन ऑफ वीकनेस है। तो आपको अगर मौका मिलता है, मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं तो निकल जाता, जैसे ही बाउंस मिलता है मैं तो निकल जाता, बाउंस में निकल जाइएगा। अच्छा मान लीजिए बेच दें, बाउंस मिल जाए, इनके भाव से ऊपर निकल गए, रमेश के निकल गए, तो कहाँ डालें फिर वो पैसा? वो पैसा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप CNBC आवाज देखिए, रोज देखिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे विकल्प मिलेंगे। मैं प्रोमो नहीं कर रहा, प्लग नहीं कर रहा, लेकिन अब मुझे इतना कुछ ध्यान नहीं, लेकिन आप जब पैसा निकालिए उसके बाद जब पैसा हाथ में है उस दिन से आप लगातार 3 दिन देखिए CNBC आवाज, और आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक मिलेंगे। ओके, तो राइज पे निकलना है और फिर आवाज़ तो खैर देखते रहते हैं रोज, वो देखना है, उसमें आपको आइडियाज मिलेंगे कि आपको कहाँ पैसे लगाने हैं। अगला सवाल भी लेता हूँ मैं, मयूर का, मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मयूर जी, मयूर आपका नाम क्या है पूरा? मयूर रोम, रोम 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 का बगल से कोई बोल रहा, रोमियो बोलो ऐसा? नहीं नहीं, नहीं। कौन बगल में आपके दोस्त हैं क्या? नहीं नहीं, वो तो टीवी चल रहा है। अच्छा बताइए मयूर जी, क्या सवाल है आपका? तो नमस्कार नीरज जी गावा सर, तो मेरा सवाल है सर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के मेरे पास 60 शेयर्स है 280 के भाव में, और मेरा नजरिया 3 से 4 महीने का रुकने का है, और तो ये ऑलमोस्ट और कहाँ तक जा सकता है या फिर अभी प्रॉफिट बुक कर लिया जाए? यार पैसा तो आपका बन रहा है, अच्छा डबल हो गया गावा सर, मुनाफा हो रहा है इनको तगड़ा, लेकिन ये कह रहे हैं कि और चाहिए, दिल मांगे मोर, 6 महीने और रुके क्या? सबसे पहले एक स्टॉप लगाएं, वो स्टॉप होना चाहिए 500 के नीचे, ट्रेलिंग स्टॉप। अब ट्रेड कर रहा है 525, मतलब 25 रुपए का डिफरेंस है। अब इसको ट्रेंड को राइड करना चाहिए, अगर 525 से 550 हो जाता है तो स्टॉप को लगाइए 525, डिफरेंस 25 ही रखिएगा। जब तक इसको जाता है जाने दीजिए, एक बार 25 कट हो गया आपका, आप निकल जाइएगा, तो आपका रिस्क 25 का ही है। राइड द ट्रेंड एंड एंजॉय द राइड, HPCL। ओके, तो 500 के स्टॉप लॉस पे आप रहिए मयूर जी, अगर वहाँ से टूटे तो आप निकल जाइए, तब भी आपका मुनाफा होगा। OMCs में एक ही रिस्क है कि अगर सरकार ने दाम कटवा दिए पेट्रोल डीजल के, तो कंपनियों पे एक प्रेशर आ जाएगा। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि इलेक्शन का डेट अनाउंस होने वाली है अगले हफ्ते, उसके बाद तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये कंपनियाँ, कंपनी है ये, स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, इसलिए इनको ये कर सकती हैं, इनके लिए कोई रोक नहीं है, दे कैन डू इट, ये इनका अपना डिसीजन हो सकता है। खैर एनीवे, ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको 500 पे स्टॉप लॉस लगाना है, अगर वहाँ टूटता है तो फिर आप निकल जाइएगा, फिर बाद में अगर मौका मिलेगा तो हम लोग फिर री एंट्री के लिए देखेंगे लेवल किस में। अच्छा इस बीच हम एक खबर बताना चाहते हैं आपको, जो सुबह आई थी डिटेल उसका,
टाटा मोटर्स ने एक मेगा मर्जर प्लान का ऐलान किया है जिसके तहत कंपनी अपने CV और PV यानी पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल को अलग अलग कर देगी और दोनों की फिर होगी लिस्टिंग। इसकी मंजूरी बोर्ड ने दे दी है। ज़्यादा डिटेल बातचीत करते हैं मेरी सहयोगी हर्षदा से, सीधे चलते हैं उनके पास। टाटा मोटर्स अब यहां से स्पीड पिकअप करता हुआ दिखाई देगी क्योंकि कंपनी ने एक बड़ा बिजनेस प्लान सामने रखा है। पहले तो कंपनी अपने कारोबार को दो हिस्सों में बांटने की तैयारी में है। दोनों कंपनियां आगे चलकर लिस्ट भी होने वाली है। दो बिजनेसेस क्या रहेंगे, एक रहेगा कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस और दूसरा रहेगा कंपनी का पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस। अब PV बिजनेस में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आएंगे और साथ ही साथ JLR का कारोबार भी जुड़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी कह रही है कि 12 से 15 महीने लग सकते हैं इस पूरे डीमर्जर को अमल में लाने के लिए क्योंकि NCLT में मामला पहले जाएगा, फिर अप्रूवल के बाद ही डीमर्जर फाइनलाइज होगा। शेयरहोल्डर्स के लिए बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग यहां पर होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, ये कंपनी का मानना है। कंपनी ये भी कहती है कि अलग अलग बिजनेसेस की सिनर्जी अलग है, उस लिहाज से बिजनेस स्केल कर पाएंगे, उस लिहाज से अलग बिजनेस प्लान्स भी दोनों ही कारोबार CV और PV के लिए बनते हुए दिखाई देंगे। यही नहीं, अब कंपनी फोकस अपने EV कारोबार पर ज्यादा बढ़ाने वाली है। JLR के पर्सपेक्टिव से देखें तो JLR के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी भी तैयार कंपनी करती हुई दिखाई देगी। इस पूरे डीमर्जर पर कंपनी के चेयरमैन N. चंद्रशेखर ने भी कहा है कि डीमर्जर से शेयर होल्डर्स की वैल्यू दरअसल बढ़ती हुई दिखाई देगी और आगे चलकर जब बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो वो आसानी से होता हुआ दिखाई देगा। अब ब्रोकरेजेस की राय साफ है, कुछ को पसंद आ रहा है ये डीमर्जर। नोमरा 1067 का टारगेट दे रहा है, मॉर्गन स्टैनली JP Morgan 1000 के ऊपर के टारगेट दे रहे हैं, इन्वेस्टर कह रहा है 900 तक का टारगेट रहेगा। वैल्यू डिस्कवरी बड़े पैमाने पर इस डीमर्जर से आती हुई दिखाई देगी लेकिन वैल्यूएशन में ज्यादा बदलाव होने के आसार नहीं है। तो टाटा मोटर्स की खबर ध्यान रखिएगा, इसमें समय लगेगा 12-15 महीने, NCLT में जाएगा, लंबा प्रोसेस होता है ये सब कुछ, फिर वो आके रीलिस्ट होंगी, डीलिस्ट होंगी, ये सब चीज़ें काफ़ी चीज़ें होंगी। तो इसलिए एकदम कूद के कोई फैसला नहीं लेना है। स्टॉक 10% ऊपर खुला था और अब सिर्फ 5% बचा है, ये ध्यान रखिए, चूँकि स्टॉक में बहुत बड़ा रनअप आ चुका है पिछले 4-6 महीनों के दौरान। अच्छा गावा साहब, दो सवाल और एक, नमन देवड़ा जी हैं, उन्होंने सवाल लिखे, एक तो जी एंटरप्राइजेज में और दूसरा है UPL में। जी के इनके पास 950 शेयर हैं, एवरेज प्राइस 260, और UPL के इनके पास 400 शेयर हैं, एवरेज प्राइस 566। क्या करना चाहिए इनको? जी से तो मुझे वीक लगता है, तो मुझे तो यहाँ पर जी में कुछ ट्रेड अंदर लॉन्ग साइड नजर नहीं आते। हाँ ये 160 में पार कर लेगा तो थोड़ा अपू मिलेगा, 170 में 180, एक ट्रेडिंग बैंड है, तो इनको एक अपू का एडवांटेज लेकर निकल जाना चाहिए क्योंकि बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर जी का वीक है, तो इस स्टॉक में होना नहीं चाहिए। इनका जो एक इवेंट होने वाला है वो इवेंट होने दीजिए, उसके बाद जो करना है कर लीजिए, प्रीएम्प्ट मत कीजिएगा इवेंट को, तो आउट नहीं। बट UPL के UPL का स्टार्ट बढ़िया है। आज मैंने ये स्टॉक शायद क्विक सिंगल्स में दिया था, अपू मिला, टारगेट 490 था, वो अचीव हो चुका, अपू ऑन है, 475 का कोई स्टॉप लगा चले और थोड़ा उसको राइड को प्ले करना चाहिए तो फिर शायद 520-530 भी देखेंगे, लेकिन बाई मोड पर है और इंटरडे में भी बाई सिग्नल जनरेट हुआ है UPL का। ओके, UPL में बाई मोड जनरेट हुआ है, होल्ड करिए। जी कमज़ोर लग रहा है अभी भी। अच्छा आई एम रिमेम्बरिंग करेक्ट, 12 मार्च को शायद NCLT में इनकी सुनवाई है उस मामले की, अभी वो झंझट चल ही रहा है सोनी वाला, कल एक बड़ी भारी खबर छपी थी कि 1000 करोड़ का एबिटा करेंगे, सब तमाम बातें चल रही हैं लेकिन स्टॉक प्रेशर में और आपके भाव से तो बहुत नीचे है, तो वो बहुत दिक्कत कर रहा है। अच्छा एक और सवाल लेते हैं, smithmoney.com, इन्होंने एक ट्विटर पर सवाल भेजा है, SBI के इनके पास 638 शेयर हैं 709 के भाव पे, कैन आई होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, 777 पर ट्रेड करें, बढ़िया स्टॉक है, हमने पिछली बार किया था कि आपकी बार 700 पार हो गया, आई और भी ऊपर देखेंगे, 765-770 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ट्रेड करा है 777 पर, इसमें बाय मोड पर है, वीकनेस नहीं है, डिप्स मिलती है, एब्जॉर्ब होती है, फिर एक अपू रिज्यूम होता है, SBI होल्ड करिए। निर्भय तिवारी, और ये इन्होंने सुजलॉन एनर्जी के 1000 शेयर खरीदे 47 रुपए पर, और अब इनका मन है कि एवरेज और कर लूं, मतलब और खरीद लूं क्या? देखिए मुझे सुजलॉन को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव 5 साल के हिसाब से अच्छा लगता है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है, थोड़ा डिप मिल सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा दौड़ा है 10 रुपए से 50 रुपए, तो 50 रुपए पार करना है फिर 100 जाना है, उसके लिए थोड़ा वक्त गुजरना पड़ेगा, तब जाके 50 पार होगा, इतना इजी पार नहीं होगा, वीक हैंड जब तक निकलेंगे नहीं
और स्ट्रॉन्ग हैंड जब तक आएंगे नहीं तो 50 पार नहीं करेगा, तो थोड़ा डिप का पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये अगर 5 साल का नजरिया अच्छा है तो मेरे ख्याल से सुजलॉन ठीक है। 5 साल का नजरिया हो तो सुजलॉन में बाइंग की जा सकती है। अमित का सवाल क्विकली लेते हैं। डेटा पैटर्न्स के 100 शेयर हैं 2500 पर, एस्ट्रल के 100 शेयर हैं 2133 पर, 1 साल का नजरिया है इनका। कौन सा बताया आपने? पहला सर डेटा पैटर्न्स। डेटा पैटर्न्स मैं देखता हूँ। मैं नंबर बताऊं क्या आपको? डेटा इंफ्रा डेटा पैटर्न्स। हाँ डेटा पैटर्न्स 54। हाँ बढ़िया बढ़िया स्टॉक है, बिल्कुल बढ़िया है। 272 पर ट्रेड कर रहा है, इसमें जो भी डिप मिलती है खरीदना चाहिए और लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है लेकिन 2400-2500 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने डेटा पैटर्न से, इट्स अ बाय एंड होल्ड। और एस्ट्रल का? एस्ट्रल का शायद आज बाय सिग्नल जनरेट हुआ था सुबह सुबह, मुझे ध्यान है। और यहाँ पर लगता है कि यस साइडवेज मोड पर है, बाय मोड पर है, ट्रेड कर रहा है 2019। मेरे ख्याल से ये भी मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, कंटिन्यू होल्डिंग एस्ट्रल। ओके, इसको होल्ड किया जा सकता है एस्ट्रल को भी। गावा सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। ध्यान रखिए आप लोग, मार्केट थोड़ा सा शेकी दिख रहा है, ऊपर उतार चढ़ाव ले रहा है, तो उसमें आपको अपना बचाव भी करना है। छोटा सा एक ब्रेक, ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर वन। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।